अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में। कल पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर की सऊदी हकाम से मुलाकात थी और उस मीटिंग का फैसला अभी मुकम्मल तौर पर शेयर कर दिए गए। मुकम्मल न्यूज़ आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आ चुकी हैं फ़्लाइट्स के मुतलक, तो आपने हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना ताकि हमारी हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। पाकिस्तान के सफीर ने गाका से मुलाकात की जिसमें उन्हें आगाह किया गया पाकिस्तान की कोविड की बेहतर सूरत हाल के बारे में। तो अभी इस मुकम्मल न्यूज़ को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको सही से समझ आ जाए, फिर आपसे कोई गलती ना हो जब आप सऊदी अरब ट्रैवल करें। मीटिंग के दौरान एजेंडे के आइटम पर तबादला ख्याल किया गया। एक नंबर वन जो थी उन लोगों के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली जिनकी पहली मुमलकत में कोविड की खुराक है और दूसरी पाकिस्तान में मंजूरशुदा वैक्सीन के साथ। अब इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप सऊदी अरब से ट्रैवल करके आए हैं पाकिस्तान में, तो भाई आप अगर वहाँ से एक वैक्सीनेशन लगवा के आए और दूसरी पाकिस्तान में वो आपने वैक्सीनेशन लगवाई है जो सऊदी अरब हुकूमत रिकमेंडेड करती है, जो सऊदी अरब हुकूमत एक्सेप्ट करती है साइनोफैम और जो भी चाइना की वैक्सीनेशन के अलावा हैं, वो अगर आपने पाकिस्तान से लगवाई हैं तो भाई आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में फंसे हुए खानदानों, साजा और तलबा के लिए परवाज़ों की मंजूरी को तरजीह देना, और तीसरे नंबर पर सऊदीया में अदारा जाती करंतीन के लिए पीआईए के इंतजाम की मंजूरी ताकि साइनोवेक और साइनोफार्म से टीके लगाए गए अफराद के लिए बराह रास्त परवाज़ों की सहूलत हो। अब जिन लोगों ने चाइना की वैक्सीनेशन लगवा रखी है, पाकिस्तानी सफीर ने उनको ये रिकमेंडेड किया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे ममालक के थ्रू सऊदी अरब आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटीना करते हैं। जब वो दूसरे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटीना कर सकते हैं तो सऊदी अरब में भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पाकिस्तान से लोगों को सऊदी अरब बुलवाएं और 14 दिन का क्वारंटीना करवाएं उन लोगों को जिन्होंने चाइना की वैक्सीनेशन लगवा रखी है। पाकिस्तानी सफीर का कहना था, सदर GSEA ने यकीन दिलाया कि मुल्कत के सेहत हकाम के साथ मुशावरत से तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और पाकिस्तान में फंसे पाकिस्तान की हालत ज़ार का हल निकाला जाएगा। अब बात आ गई है सऊदी वजारत सेहत की जानब से, जब सऊदी वजारत सेहत इस चीज़ को रिकमेंडेड करेगा कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दें तो पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दी जाएंगी। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी सवाल सबसे पहले आप लोगों से शेयर की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।